नमस्कार नमस्कार। चारों ओर नवरात्र की रौनक है और आज तो अष्टमी है, जो नवरात्र में सबसे खास दिनों में एक माना जाता है। कई लोग आज कन्या पूजन भी करते हैं। वैसे त्योहारों के जश्न के बीच देश की राजधानी दिल्ली में क्या मौसम खुश मिजाज है। कुछ तस्वीरें तो आई हैं दिल्ली से। खुला खुला आसमान है, बादलों का नामो निशान नहीं है। गर्मी का क्या हाल है? कहीं मौसम का असर आपके प्लान्स पर तो नहीं पड़ेगा, ये बताएंगी हमारी सहयोगी प्रियंका। जी बिल्कुल हरी, मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम किसी भी तरीके से आपके प्लान को खराब करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि तेज धूप आपको जरूर परेशान कर सकती है, क्योंकि गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अक्टूबर का महीना चल रहा है और कौन कहेगा कि दिल्ली में अक्टूबर का महीना चल रहा है। पसीने छूट रहे हैं लोगों को, पसीने इस तरीके से अपने साफ करने पड़ रहे हैं। और टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर यूं तो 34-35 के लगभग बना रहता है, लेकिन 40 के लगभग फील लाइक टेम्परेचर 40 बना हुआ है। ऐसे में फिलहाल भी गर्मी से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दूर दूर तक बादलों का कोई नामो निशान नहीं है, यानी कि आज भी दिन बाकी दिनों की तरह गर्म जाने वाला है। अच्छा प्रियंका, क्या इस सब के बीच प्रदूषण की चिंता करने की जरूरत है? 3-4 दिनों से अगर बात करें तो धीरे धीरे जो वायु गुणवत्ता है, जैसे हम एयर क्वालिटी कहते हैं, वो खराब होती जा रही है। जो पीएम 2.5 है, पीएम 10 है, इनके जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है। तो धीरे धीरे जो हवा है वो खराब होना शुरू हो गई है। फिलहाल दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो मॉडरेट बनी हुई है, यानी कि सामान्य बनी हुई है, लेकिन इससे ही कदम जाते ही ये खराब की स्थिति में आ जाएगी। ऐसे में क्योंकि अब पराली जलने का समय भी शुरू हो गया है, वेदर कंडीशंस चेंज होना शुरू हो गई है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि वायु प्रदूषण का खतरा जल्द ही अब लोगों के ऊपर मंडराने लगेगा। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जिसको आप कर सकते हैं, जैसे कि घर से बाहर निकलते हुए मास्क तो आपको वैसे भी कोरोना की वजह से पहनना ही है, यह आपकी प्रदूषण के खिलाफ भी मदद करेगा। और अपने तरह से छोटे छोटे कदमों को आप उठा सकते हैं, जिसमें कम से कम ये कोशिश आप करें कि आप वायु प्रदूषण को बढ़ाने में सहयोग ना कर रहे हो। तो फिलहाल खतरा नहीं है, लेकिन आने वाले 3-4 दिनों में वायु प्रदूषण का खतरा पूरी दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका। अब दिल्ली का तापमान देख लेते हैं। आज यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसकी बात कर रही थी प्रियंका, वो 165 के आसपास बताया जा रहा है। लखनऊ में तापमान का हाल कल से आज तक में बिल्कुल नहीं बदला। लखनऊ में मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चंडीगढ़ में आज दिन है सनी 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 सनी, लेकिन तापमान यहां पर आज का मैक्सिमम टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। कश्मीर में कल आपको बताया था बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है और आज, लेकिन फिलहाल श्रीनगर के तापमान से काम चलाइए। यहाँ पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर सिर्फ 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। और देहरादून जाने का प्लान हो तो यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। अगर कहीं के मौसम का हाल जानने में आज हम सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो वो है कोलकाता का मौसम। और आज महाअष्टमी के दिन वहां क्या हो रहा है जानने के लिए चलते हैं ग्रंथना के पास। हेलो, सबसे पहले आप सभी को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज महाअष्टमी के शुभ अवसर पर लोग सुबह से तैयारियों में जुटे हुए हैं। कुछ ही देर में यहाँ की पुष्पांजलि स्टार्ट हो जाएगी और लोग नए कपड़े पहन के तैयार होकर अच्छे से आने लग जाएंगे। लेकिन इस बीच में मौसम का हाल भी जानना हमारा जरूरी है। अभी तो देर में धूप खिली हुई है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो अष्टमी से लेकर दशमी तक बंगाल में, स्पेशली साउथ बंगाल के कई हिस्सों में बारिश होने के चांसेस है। तो अगर आप घर से निकल रहे हैं पैडल हॉपिंग के लिए तो बैग में छाता जरूर रखें। चलिए शुक्रिया ग्रंथना, बिल्कुल सही बात है। फेस्टिवल के जोश के आगे उसका कोई खास असर नहीं पड़ता, लेकिन याद रहे कल भी कहा था आज भी कह रहे हैं, त्योहारों की धूम है, बाहर निकलना दोस्तों से मिलना जुलना सब कीजिए, मगर प्लीज किसी तरह की लापरवाही मत बरतिएगा, मास्क जरूर पहने रहिएगा। आप अपनी मास्क वाली सेल्फी हमें भेजेंगे ट्विटर पर अगर, तो हम अपने शो में आपकी वो तस्वीर जरूर दिखाएंगे। चलिए जल्दी से कोलकाता का तापमान बता देते हैं। कोलकाता में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
ओडिशा में तूफानी हवाएं चलने का अनुमान है और बारिश भी हो सकती है, तो यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर का तापमान भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। एक और जगह है जहां इधर एक दिन छोड़ एक दिन बारिश हो ही जा रही है, यानी बेंगलुरु। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं, यहां तो इस हफ्ते ऐसी बारिश हुई कि वहां का इंटरनेशनल एयरपोर्ट पानी पानी हो गया। बताइए, एयरपोर्ट जैसी जगह जहां साफ सुथरी बिना गड्ढों वाली सड़कें होती हैं, वहां का ये हाल है, तो सोचिए दूर दराज के इलाकों में क्या हाल हुआ होगा। चलिए बेंगलुरु का तापमान बताते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। राजस्थान के जयपुर का हाल जान लेते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। सपनों के शहर मुंबई में मौसम कुछ खास सपनों वाला नहीं होता। हालांकि कल के मुकाबले यहाँ आज तापमान में गिरावट है। आज यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस जबकि मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अब जरा गुजरात के अहमदाबाद का तापमान बता देते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चलिए बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल की तरफ। आज भोपाल में मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अब पटना के मौसम का हाल जान लेते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर का तापमान देखते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। झारखंड के रांची का तापमान भी जान लीजिए। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है जबकि मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। असम के गुवाहाटी में तापमान देखते हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर आज 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चेन्नई में तेज बारिश होने का अनुमान है और तापमान पर नजर दौड़ाएं तो यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। देश में कहीं मौसम सुहाना है, कहीं इंतजार हो रहा है कि ठंड को आना है। हम आपको यूं ही डेली मौसम अपडेट्स देते रहेंगे। आप अपनी मास्क वाली सेल्फी ट्विटर पर जरूर भेजिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अब आप ये तस्वीरें देखिए। 12 अक्टूबर को स्पेन में स्पेन डे मनाया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर डांस किया और खूब एंजॉय किया।